मैं डॉक्टर वाहिद सुबा प्रधान नैशनल हेल्थ मिशन इंप्लाइज यूनियन पंजाब। असी अज मानयोग साडे जिहड़े मुख मंत्री ने जिन्होंने आम आदमी पार्टी कहा जाता है भगवंत मान जी, उन्होंने रिहायश के बाहर आया। उन्होंने याद दिवाउण आया कि चन्नी सरकार वेले, बादल सरकार वेले, कैप्टन सरकार वेले वो साडे धरनों के विच आके साडे हक च नारे मारदे हुंदे सी, पर हुण सरकार बणी नूं 6 महीने हो गए। साडे हक च उन्हां दे नारे बंद हो गए ने, साडे हक च उन्हां ते इक नारा मरवाउणा है। मंगां साडीआं इक्को ही ने, सेहत विभाग है जिहड़ा, सेहत सहूलतां ने, ये साडे समाज का सब तो अहम विभाग हुंदा है। जे सेहत विभाग का 13,000 मुलाजम कच्चा है, वो भी 15 साल तो सड़कों पर रुड़ रहा है। वो भी वो मुलाजम जिहड़ा योग प्रणाली नहीं भर्ती होया, जे सरकार उन्होंने अणगौलिया करूगी, सानू रेगूलर नहीं करती, तो असी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, असी हर मंत्री नूं घेरांगे। हिमाचल प्रदेश भी जावांगे, जरूरत पई तो गुजरात तक भी पहुँचांगे। असी हुण अपने हक लैके छड्डणे ने, असी अपने हकों की लड़ाई लड़न लई इत्थे पहुँचे हां। जे सेहत सहूलतां की गल करीए, सरकार वालों दिल्ली मॉडल नूं बहुत प्रचारिया गया सी, तां तुसीं इह चीज़ ते की कहना चाहते हो? दिल्ली मॉडल देखो, सरकार समाज भलाई लई, लोकां दे हित लई कोई चंगा ऐलान करदी है तां बतौर कर्मचारी, बतौर प्रोफैशनल क्वालीफाइड, बतौर मैडिकल ग्रैजुएट साडी जिम्मेदारी बनती है कि असी सरकार का साथ दईए। पर सरकार का साथ दिता किवें जाऊगा? 12,000 की तनख्वाह नाल परिवार का गुजारा नहीं चलता, आण जाण ते ड्यूटी का पेट्रोल का खर्चा नहीं निकलता, और 15-15 साल साडी सारी उम्र निकल गई। तो वो चीज़ां सरकार लागू किवें करूगी? दिल्ली मॉडल लागू करना है, सेहत सहूलतां चंगियां करनियां ने, तो सेहत सहूलतां देण वाले जिहड़े योधे ने, फौज है, उन्हां नूं भी तां मजबूत करो। की नाम है जी अपना? कमलजीत कौर, स्टाफ नर्सां जी बरनाला। कमलजीत किथे आए होगे, की कर? असि अज संगरूर दे विच आप सरकार जिहड़ा आपदे आप नूं आम आदमी कहंदा सी, ओह तो आपदी मंग मनवाउण आया। जिहड़ी ओहने कहा सी सब तो पहलां तुहाडे लई हरा पिंड चलाऊंगा जी, ओहनां ने वादा कीता सी, ओही याद कराउणा है। की प्रदर्शन कीता है? साडा प्रदर्शन असी तां ओहदी कोठी मूरे प्रदर्शन करन आए सी, पुलिस वाले जबर कर रहे ने। हुण असी मंत्री दी कोठी मूरे, ओह कहंदा सी जदों मर्जी मिलो मैं आम आदमी हां जी, असी तां ओही आम आदमी असी अगे आ रहे हां, वधण नहीं दे रहे सानूं। मंगां की? मंग सिर्फ इक्को ਮੰਗ NHM ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਰੈਗੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਫਲਾਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਨੇ ਜੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਲਿਖਤੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਲਾਰੇਬਾਜ਼ੀ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है जी, और मैं एज अ कम्यूनिटी हैल्थ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर के सेवावां निभा रहा। कित्थे पहुंचे हो जी, की कारण ने प्रोटेस्ट दे? देखो, अज सारे पंजाब के NHM समूह मैंबर संगरूर दे विच मजबूर हो गए ने, मान सरकार दे झूठा तो तंग आके अज सानू इत्थे धरना देना पिया। जदों ये सरकार नहीं सी बनी, उस समय साडियां रैलियां चो जो असी झूठ मंत्री के खिलाफ करते थे, कांग्रेस खिलाफ, उत्थे आके इन्हां दे मंत्री साडे कोल आके सानू कहंदे सी कि पहली वारी जदों मुख मंत्री साहब दा पैन चलेगा तो तुहाडीआं सेवावां रैगूलर करनगे, तुहानू पे पक्के कामियां दे बराबर देणगे ते सेवावां रैगूलर करनगे। पर अज लगभग 6 तो 7 महीने समा बीत गया, साडे नाल मीटिंग्स भी होईआं, जिन्हां मीटिंग्स विच उन्हां वल्लों कोई एजेंडा ही नहीं हैगा कि उन्हां ने साडे तों मीटिंग्स किस तरीके नाल लैणी है। जदों असीं आपदा पक्ख रखदे हां तां उन्हां दी अफसरशाही दे कोल कोई जवाब नहीं, सिर हिलादे होए अपनियां मजबूरियां दसदे होए पल्ला झाड़ जांदे ने। इस दे संबंध विच असीं मजबूरन अज सड़कां ते उतरे हां। इस सरकार दे खिलाफ अज साडी पहली रैली है, ये असीं अजे टेलर विखाया। इस तों बाद जेकर सरकार साडी मुख्यमंत्री मान साहब दे कोल एक अच्छी मीटिंग नहीं करवांदी ते साडा कोई ढंग नाल साडी गल नहीं सुनदे, तां इस रोस नूं असीं बहुत वड्डे पद्धर ते लैके जावांगे। क्योंकि ना तां हार असीं चन्नी सरकार दे टाइम मन्नी, ना इन्हां दे मन्नी सी, इन्हां नूं असीं ला दित्ता सी चन्नी सरकार नूं, तां इह वी लथणगे जेकर साडे नाल टकराणगे। कोई प्रशासनिक अधिकारी तों आके मिलिया, कोई भरोसा मिलिया हुण तक? बिल्कुल प्रशासनिक अधिकारी आए, जिवें कि तुसीं जाणदे हो कि NHM दे विच समूह डॉक्टर कैडर, पैरामैडिकल कैडर सारे वैल एजुकेटेड ने, बट ये हासोहीन गल हुई कि किवें आके अफसरशाही प्रशासन के अफसर शाही सानू कहन लगे कि जे तुसीं अगे आना तो साडे विच वजो, जदों कि साडियां कुछ बीबियां भैणां भी साडे नाल सीगियां। इस तरह की लैंगुएज तां चन्नी सरकार दे टाइम ते नहीं बोली गई। कोई भरोसा मिलिया तुहानूं? मिलिया जी भरोसा, जो मान साहब दिंदे ने उही भरोसा ये दिंदे ने। वैसे इन्हां ने कहा कि अद्धे घंटे विच तुसीं वेट कर लो, नहीं तां फिर जो करना कर लो, पर असीं फिर भी शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। पर प्रशासन के वल्लों कोई वधिया तरीके नाल सानूं डील नहीं कीता गया। पर असीं मजबूर ने, ये भी साडे ते ना, असीं इन्हां दी मजबूरी समझदे हां। असीं चुपचाप आपदा धरना कर रहे हैं जिन्ना टाइम दिता है। जेकर उस तो बाद नहीं हुंदा ते असीं अगे वधांगे, मान साहब दी कोठी वल्ले जावांगे, रोड का भी बाईकाट करांगे, रोड का घराओ करांगे, आवाजाही ठप्प करांगे, जद तक साडियां मंगां मन्नण वास्ते कोई इन्हां दा नुमाइंदा ते सानूं मीटिंग नहीं दवांदे। मेरा नाम जी सुखबीर भडाल। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ NHM ਕਾਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਸੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਤੇ ਹੋਰ 20-25 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੇ ਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ, ਸਮਾਨ, ਮੋਬਾਈਲ, ਬੈਗ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਰਹੰਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ GT ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ ਭਾਰਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਠੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟੇ ਹੋਏ।